Assalamualaikum dear students, I am your spoken teacher and today our topic is sentences about canteen. It is about canteen. Our first sentence is Uncle, I want to buy a book. Uncle, main ek kitab khareedna chahti hoon. Uncle, I want to buy a book. Uncle, main ek kitab khareedna chahti hoon. Our next sentence is Uncle, do you have a new dictionary? Uncle, do you have a new dictionary? Uncle, do you have a new dictionary? Our third sentence is Can you tell me the menu, please? Can you tell me the menu, please? क्या आप मुझे मेन्यू बता सकते हैं? Can you tell me the menu, please? क्या आप मुझे मेन्यू बता सकते हैं? Our next sentence is Do you have juice, please? Do you have juice, please? क्या आपके पास जूस है? Do you have juice, please? क्या आपके पास जूस है? Do you have straw or spoon, please? Do you have straw or spoon, please? क्या आपके पास straw या चम्मच है? Do you have straw or spoon, please? क्या आपके पास straw या चम्मच है? Uncle, I want that one. Uncle, मुझे वो चाहिए. Uncle, I want that one. Uncle, मुझे वो चाहिए. Our last sentence is Uncle, pack this whole set of books. Uncle, pack this whole set of books. Uncle, मेहरबानी करके ये तमाम बुक्स का सेट पैक कर दें. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हेयर विद अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंसेस अबाउट ऑफिसेस. सेंटेंसेस कुछ जुमले ऑफिस के बारे में, ऑफिस में बोले जाने वाले कुछ जुमले कुछ फिक्रात. अवर फर्स्ट सेंटेंस इज सर प्लीज़ गिव मी अटेंडेंस फाइल. सर मेहरबानी करके मुझे अटेंडेंस फाइल दें. सर ब्राय मेहरबानी मुझे अटेंडेंस फाइल दें. अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज सर प्लीज़ कॉल माई पेरेंट्स. सर मेहरबानी करके मेरे पेरेंट्स को बुलाएं. आई एम फीलिंग अनवेल. मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा. मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा. सर प्लीज़ कॉल माई पेरेंट्स. आई एम फीलिंग अनवेल. सर आई मिस द क्लास टुडे बिकॉज माई वैन वॉज लेट. सर मैंने आज की क्लास मिस कर दी है. टुडे आज ही क्लास मिस की है. बिकॉज माई वैन वॉज लेट क्योंकि मेरी वैन लेट थी, देर से आई. सर आई मिस द क्लास टुडे बिकॉज माई वैन वॉज लेट. अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज सर आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन अ क्लियर वे. सर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वजाहत कर सकता हूँ इन अ क्लियर वे, क्लियर तरीके से, दुरुस्त तरीके से मैं आपको ये साफ साफ वजाहत दे सकता हूँ. हैव यू फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. क्या तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है? क्या तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया है? हैव यू फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. क्या तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है? अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज सर एन अर्जेंट सिचुएशन हैज़ जस्ट केम आउट. सर एन अर्जेंट सिचुएशन हैज़ जस्ट केम आउट. एक बहुत ही ज़रूरी सिचुएशन हैज़ जस्ट केम आउट. एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है, बहुत ही ज़रूरी काम है. अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कुड यू हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद करोगे? टू फाइंड माई क्लास सर. सर क्या आप मेरी क्लास ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? कुड यू हेल्प मी टू फाइंड माई क्लास सर. सर क्या आप मुझे मेरी क्लास ढूंढने में मदद करेंगे? अवर लास्ट सेंटेंस इज सर आई एम फाइनलाइजिंग द डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर्म. सर मैं स्कॉलरशिप फॉर्म की तफसीलात मुकम्मल कर रही हूँ. सर आई एम फाइनलाइजिंग द डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर्म. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अवर टूडेज टॉपिक सेंटेंसेज अबाउट ऑफिसेज. एज योर होम टास्क लर्न एंड राइट दी सेंटेंसेज ऑन योर रफ बाइंडर. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.